हो भाई साहब, जनरेटिव एआई तो तहलका मचा रहा है। अगर मैं आपको कुछ वेडिंग फोटोग्राफिक एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो आपका दिमाग पागल हो जाएगा। ये कपल खड़ा है एक नॉर्मल बैकग्राउंड पे, मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया और अब इनका बैकग्राउंड हो गया किसी महल के सामने। ये ब्राइडल पोर्ट्रेट मैंने किया था 35 mm पे शूट और जनरेटिव फिल ने इसे 20 mm का बना दिया है और वो भी परफेक्ट वॉल टू वॉल मैच कर दिया है होटल की। कलर बॉम्ब्स तो बहुत ही कॉमन है आजकल वेडिंग्स में, बट बाई चांस अगर आपका शॉट मिस हो जाए तो जनरेटिव एआई आपको बचा लेगा। ये देखो वाओ। और अगर मैं चाहूँ तो इस पिक्चर को और एक्सटेंड कर सकता हूँ। इस कपल का बिफोर आफ्टर देखिए, बैकग्राउंड में विंडोज कितनी अच्छी तरीके से जनरेट की हैं और यहाँ तक ब्राइड की ड्रेस को भी जनरेट कर दिया है। मैटरनिटी शूट में सबसे डिफिकल्ट होता है वो बड़े बड़े गाउन को कैरी करना, अब जनरेटिव एआई की वजह से कैरी नहीं करना पड़ेगा। एक छोटी सी कमांड और ड्रेस देखिए कितनी बड़ी कर दी है। या फिर ये ब्यूटीफुल सनराइज वाला जिसमें बैकग्राउंड में पहाड़ और लेक इजिली मैच हो गए हैं और इस पिक्चर ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। इसने मॉडल का सिर तक जनरेट कर दिया एंड इवन लेग्स। और अगर आप ध्यान से देखें तो वो खंडे वाली लोकेशन को रीजनरेट कर दिया है विद द सेम वार्म टोन। अगर किसी नॉर्मल इमेज से कोई कॉम्प्लेक्स इमेज क्रिएट करनी है तो प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा। ये थी फर्स्ट इमेज, ये है सेकेंड इमेज। एआई बाबा आपकी जय हो। अगर आप चाहते हैं कि इन प्रॉम्प्ट्स में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा।